সভাপতি আপন চিঠিয়া গেল রোগী হয়ে গেল মালা ফোর সাজিয়া ডুবেলে খায় পিয়ে কবিরা কি মারে কই গাঁজা ভাঙ মা জিন্দগি না মারু নেই ওর দে সকতা জান তোমারি কাহা কথা চুলের নেই चौथाई क्या उसको देना नहीं कुछ मालूम नहीं देगा ही देगा तो बताओ भी सही वो कहा देकर विचार करना मारो 50 रुपए लेकिन मैं इसे छोड़ में नहीं घर वाले अगर ये छोड़ दूंगा तो गांव बर्बाद कर देगा जादूगर आओ नहीं तो फिर एक बोल देर भैया मुझको जादूगर मारी ये क्या कर रहे जा रहे भैया फिर हमको दे दो हम घर मालिक का आदेश है कि इनका पूरा हो अरे मैंने इनका क्या कपड़ा कहा दुका के मारो घर मालिक साहब 15 रुपया फिर भेजा प्यारे भैया तो हाँ पहले हम पूरा काट लूंगा पूरा काट लूंगा तो फिर बात छोड़ दे भैया हमको अभी नहीं छोड़ूंगा जब तक घर मालिक खुशी कपड़ा उतार के भाई उतारे पड़िए जादूगर ये घर मालिक 50 फीट दे रहे अब 50 रुपए हमारे बबलू भाई के खास आदमी पंडी खेड़ा वाले 20 रुपए का इनाम 70 रुपए 50 हमारे घर मालिक और दे है अब तो तारा पक्का है कपड़ा उठा हराम खड़न जिंदगी अगर मैं बच गया तो तुम्हारी घर तक जरूर जाऊंगा अब तुम कुछ न कर पे हो चाहे जब तक तुम ना लगे खबरी हमारे लाए है झाड़े का दे दे यार को भैया मैं फिर घर मालिक साहब 50 रुपए दे रहे करें 20 का हम इनके 30 मालिक का है क्या चिंता गिराओ गिराओ कहाँ भैया ठहरा
कविता के चक्कर में हम कहां जा रहे हैं। रुक जाओ हे बेहाली पायो लगा शुरू हो गया बाबा आधा धुना हो पायो का सही तो करे दियो कविता की आंख ले रहा है और कविता के आंखी बहुत जाई मान लिया उनका नहीं दिखा दोगे मुझे दिखा रहा है बेटा अंधा धुना का आवाज इनका मेहराउ से मतलब है। रुक जाओ मंत्र पढ़ सावधान खड़ी हो जाओ नहीं कि वो अंधा हो जाओ तुमका तो हम ठीक कर दिए हम अंधा हो जाए तो हमको कौन न ठीक कर पाए। चलो मंत्र कौन है मेरे भाई खोल भूंगा की झलक गाजर की खोपड़ी मरगे के बांध पर रख दियो खोपड़ी निकल जाए जाने काली काली महाकाली ब्रह्मा की बेटी विष्णु खिलाई जारी हो झटकारी हो मोह दरे उड़ाने हो चूला दा गिरा के भसा भसा मारी हो जारे को जा जाए सरी फुपारी एक का जाए तो आए से ताजा गोविंदा का पाए जाएंगे मेरे स्कूल का बाहर दिखी वाले जमाना मेरे भैया खड़े हैं चक्की महाराज शर्म करो देवत जवान जवान खड़े अगर देखे के हमारो मानसून बन गया तो देखो भैया हर मुश्किल आसान हो गई है कविता भी मिल गई है अब घर को चला जाए क्योंकि तुम्हारी माँ की तबीयत बिल्कुल खराब है। हाँ भैया अब हम लोग इसी वक्त घर के लिए रवाना होते हैं। चलिए आप बचे महाराज महाराज को किसी तरकीब से खत्म कर देती हूँ महाराज को किस कैसे उन्हें खत्म कर दी स्वामी जी क्या बात है अभी आराम नहीं हुआ। नहीं स्वामी जी गोविंदा बेटा अभी तक लौट कर नहीं आया और ऐसा लगता है कि मेरी जान निकल जाए। नहीं ऐसा नहीं वो दवा पा गया होगा तो बहुत जल्द वापस आएगा। स्वामी जी इस रात में रहते रहते मेरा जी उठ रहा है क्यों ना मुझे अपने चमन में घुमा दो। ठीक है जब ही बात है तुम चमन के शहर कहना चाहती हो तो चलो हम तुम्हें शहर करा रहे हैं।